हाँ जी वेद में नरेशंस नरासंद नहीं जरासंद उन्होंने लिखा है बांधेली माताओं को स्पेशल टाइम होता है सभी बांधेली माताओं को स्पेशल टाइम होता है क्योंकि कोई कोई बांधेली माताएं ऐसी भी बांधेली होती हैं कि घर का काम भी संभालती हैं और नौकरी भी करती हैं तो उनको स्पेशल टाइम मिलता है अच्छा उस स्पेशल टाइम पर बाप दादा उनको स्पेशल किरणें देते हैं कौन से स्पेशल टाइम की ओर इशारा है और बांधेली माताएं खास कर किस बात में बांधेली होती है अगर कहें बाबा से बाप दादा से मिल नहीं पाती है तो न मिल पाने में स्पेशल टाइम क्या हुआ इसे स्पेशल कहेंगे कि सारी स्पेशलिटी खत्म हो गई स्पेशल तो वो हो गए जो बाप दादा से मिलते हैं और खुश होते हैं वो नहीं मिल पाते तो रोती है दुखी होती है ये कैसी स्पेशलिटी अच्छा बाप दादा उनको स्पेशल किरणें देते हैं तो संगम युग में वो स्पेशल टाइम कौन सा है बांधेली माताएं स्पेशल किस बात के बंधन में आती है हैं याद को तो कोई नहीं रोक सकता ये तो मन की बात है मन बुद्धि को कौन कंट्रोल कर सकता है मन को कोई बांध सकता है क्या हाँ माताओं को अबला कहा जाता है कलयुग में अबला इस अर्थ में कहा जाता है कि वो पुरुषों के मुकाबले तन से भी निर्बल होती हैं दृष्टि से भी निर्बल होती हैं इंद्रियों से भी निर्बल होती हैं कोमल होती हैं
और वातावरण को कंट्रोल करने में भी निर्बल होती है। मन को भी कंट्रोल नहीं कर पाती। क्योंकि बंधन का खास कारण होता है प्योरिटी की पालना। उनके इस प्योरिटी के पुरुषार्थ पर ही आक्रमण होता है। और जब आक्रमण होता है उस समय उनका दिल और दिमाग द्रौपदी की तरह छटपटाता है। वही टाइम है, स्पेशल टाइम, जो बाप दादा बांधेली माताओं को स्पेशल किरणें देते हैं। अगर दिल में सफाई है तो साफ दिल तो मुराद हासिल। और संगम युग में ही ये स्पेशल टाइम बांधेली माताओं के लिए गिना जाता है। और युगों की तो बात ही नहीं। लिखा है बीके में आने के बाद हमारे किए हुए पाप भस्म होते हैं। होते हैं है? है? बाप की पहचान नहीं है तो सही याद ही नहीं रहता। चलो और आगे लिखा है और एडवांस में आने के बाद बीके में किया हुआ पाप भस्म होते हैं। अच्छा, फिर एडवांस में आने के बाद जो पाप करते हैं वो कब भस्म होते हैं? पहली बात तो ये पक्का नहीं है कि बीके में आने के बाद पाप भस्म हो ही जाते हैं। हो जाते हैं है? ये तो पक्का नहीं है कि पाप भस्म होते हैं, क्योंकि बाप की पहचान ही नहीं होती। और एडवांस में आने के बाद बीके में किए हुए पाप भस्म होते हैं। ये तो ठीक है। कोई कोई आत्माएं हैं तीव्र पुरुषार्थी के एडवांस में आने के बाद बाप की पहचान होने से पूरा ही बाप को अर्पण हो जाती है, पूरा ही अपने को ईश्वरीय सेवा में लगाए देती है। तो जो सेवाधारी होते हैं उनको बाप याद करता है। बच्चों की याद कमजोर हो सकती है लेकिन बाप की याद में तो बहुत पावर मिलती है। तो कह सकते हैं कि कम से कम 8 के तो पाप एडवांस में आने के बाद भस्म होते ही हैं। इसलिए वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते।
लेकिन आठ के अलावा जो पूरी रीति अपने तन को, मन को, धन को, समय, संपर्क और संबंधियों को ईश्वरीय सेवा में अर्पण नहीं कर पाते, इसलिए उनको बाप के याद की पूरी पावर नहीं मिल पाती, जिसके कारण बुद्धि इधर उधर भागती है। और श्रीमत की बरखिलाफी कर लेते हैं, जिससे 100 गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है। वो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ने से पाप और ही ज्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है? त्रेसठ जन्मों में भी इतने पाप नहीं चढ़ते हैं। बीके में आने के बाद भी इतने पाप नहीं चढ़ते हैं। क्योंकि बाप को ही जाना नहीं। एडवांस में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, बाप से डायरेक्ट सन्मुख अंजाम करने के बाद फिर पाप करते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो वो पाप कब भस्म होते हैं? है? धर्मराज की सजाओं से चिकतु होते हैं। है? पूछने वाला ये भूल गया कि धर्मराज भी आगे आने वाला। और बाबा, ओ, नाइट क्वीन फूल होता है ना, रात्रि रानी, नाइट क्वीन फूल, वो किसका यादगार? ऐसा किसी ने पूछा। एक होता है ब्रह्मा का दिन, एक होता है ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन होता है तो उसमें तो रात की रानी खिलने का सवाल है ही नहीं। रात की रानी खिलने का सवाल कब? जब रात हो। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा संपूर्ण है तब रात है, या ब्रह्मा अपूर्ण है तब रात है? जब ब्रह्मा अपूर्ण है तो रात है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। उन ब्राह्मणों में प्रैक्टिकल में ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला पार्टधारी कौन? क्योंकि ब्रह्मा तो नाम है, ब्रह्मा बड़ी माँ है तो दाढ़ी मूछ वाला, तो प्रैक्टिकल में अम्मा तो नहीं कहेंगे। वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब किसी स्त्री चोले में प्रवेश करता है, माता के चोले में प्रवेश करता है, तो असली जगदम्बा के रूप में कहो, जगत की अम्बा या ब्रह्मा, बड़े ते बड़ी माँ के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और जब माँ प्रत्यक्ष होती है बच्चों के सामने, तो उसकी यादगार भक्तों में, भक्ति मार्ग में भी मनाई जाती है। कौन से युग में मनाते हैं? है वो युग है जिसमें देवियों की खास पूजा करते हैं, कलयुग। घोर अंधेरी रात है,
रात्रि में ही खास पूजा की जाती है। नवरात्रे मशहूर हैं, हर धर्म की माता के रूप में नौ देवियां भी मशहूर हैं। और हर धर्म और सारी दुनिया के जितने भी धर्म के संप्रदाय के फॉलोअर्स हैं, उन सब की एक जगदम्बा है। वो जगदम्बा संगम युग में ही प्रत्यक्ष होती है। जब प्रत्यक्ष होती है तो उसकी यादगार भक्ति मार्ग में छोटी सी मूर्ति बनाई जाती है। किसकी? जगदम्बा की। छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। वो तो किस बात की यादगार है? लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर बनाया जाता है, विशाल मंदिर बनाते हैं। और जगदम्बा का छोटा मंदिर और छोटी मूर्ति किस बात की यादगार? सेवा कम की है लक्ष्मी नारायण के मुकाबले, लेकिन विकराल रूप धारण करके, असुर संहारिणी का रूप धारण करके जो दुनिया के दुर्गुणी हैं, असुर हैं, उनके दुर्गुणों को दूर करने का काम ज्यादा किया है। इसलिए पूजा तो होती है, और उस रात्रि में खुशबू भी बहुत बिखेरती है। छोटी मूर्ति की यादगार फूल तो छोटा होता है, लेकिन भुजाएं अनेक होती हैं या थोड़ी होती हैं? अनेक भुजाएं होती हैं। इसलिए यादगार पौधा बना हुआ है रात की रानी, उसका छोटा फूल होता है लेकिन ढेर की ढेर तादाद में वो फूल होते हैं। तीखी सुगंध निकलती है, जो सुगंध है रात ही रात में रहती है, और जैसे ही सूर्य निकलने का उदय होने का टाइम होता है, भगवान बाप की प्रत्यक्षता होती है, और उस रात की रानी के फूल की सुगंध लोप हो जाती है। जो यादगार कायम है भक्ति मार्ग में, डूबी जा डूबी जा डूबी जा। भगवान बाप की प्रत्यक्षता के सामने रात की रानी की खुशबू लोप हो जाती है। सीढ़ी के चित्र में, हाँ जी, देखते हैं इसके अंदर रामराज कहते हुए भी और राम को, राम के पास तीर और कमान दिखाए। हाँ, उसका जिस राम के पास त्रेता में तीर और कमान दिखाई है, वो जो राम का राज्य गाया हुआ है, वो गायन त्रेता युगी राम का है या संगम युग का है? हैं? वो
संगम युग का गायन है। संगम युग में राम की आत्मा ने निराकार राम के साथ एकाकार होकर के जो पार्ट बजाया, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में जो सहयोग किया, उसकी यादगार है राम राज्य। वो ही आत्मा निमित्त बनती है। एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता, एक कुल, एक भाषा, एक मत का राज्य स्थापन करने के लिए सारी दुनिया की सत्ता एक राम के हाथ में आ जाती है। इसलिए राम राज्य गाया हुआ है। शंकर राज्य, विष्णु राज्य, ब्रह्मा राज्य, कृष्ण राज्य नहीं गाया हुआ है। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, अर्थात योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, उस राम की बात है। त्रेता में तो दो कलाएं भी कम हो जाती हैं। वो तो फेलियर की निशानी है। और त्रेता में सिर्फ राम की आत्मा फेल नहीं होती है। सतयुग के पहले जन्म में राज्य करने वाले राधा कृष्ण की आत्माएं भी त्रेता में आकर क्या हो जाती हैं? फेल होकर चंद्रवंशी बन जाती हैं। जिसकी शूटिंग ज्ञान यज्ञ के आदि में होती है। क्योंकि आज में भगवान बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए माया के सामने बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन वही राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में पहले पहले फेल होती है, फेल होने का पहले पहले अनुभव करती है, उसी के द्वारा निराकार राम शिव अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। और एक धर्म, एक राज्य, एक कुल की स्थापना कराते हैं। इसलिए सीढ़ी के 21 जन्मों में 21 जन्मों की प्राप्ति का जो आधार है वो राम का पुरुषार्थ गाया हुआ है। तो राम राज्य कहा जाता है, उसे शिवराज्य नहीं कहा जाता, या और कोई देवता का राज्य नहीं कहा जाता। वो एक ही स्वरूप है जो प्रैक्टिकल में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में गूंजता है। वो साकार रूप होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला होता है। इसलिए राम राज्य का गायन है। और कमान जो होती है, धनुष जो होता है, उसमें लचीलापन होता है। जितना ज्यादा बुद्ध रूपी प्रत्यंचा को खींचेंगे,
उतना मोल्ड हो जाएगा। ये मोल्डिंग पावर पुरुषार्थ को ऊंचा चढ़ाने की पावर बुद्धि की खींच के ऊपर है। जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो मस्तक की ओर खींचते हैं, अर्थात ईश्वर की याद में मन बुद्धि का जितना ज्यादा खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, उतना ही पुरुषार्थ तीव्र होगा, मनन चिंतन मंथन तीव्र होगा। और जो ईश्वरीय ज्ञान का वर्षा है, पहला वर्षा, वो आत्मा को ज्यादा मिलेगा। इसलिए बाबा ने बोला यज्ञ के आदि में जो बाप समान राम बाप के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होने वाला बड़ा बच्चा, कारण या कारण यज्ञ से अलग हो गया तो उसे डाड़े की मिल्कियत सौंप दी जाती है। जो बड़ा बच्चा होता है अपने हिस्से की मिल्कियत लेकर के कमाई करना शुरू करता है तो वो और छोटे छोटे बच्चों के मुकाबले ज्यादा कमाई कर लेगा या कम कमाई करेगा? ज्यादा कमाई कर लेता है, क्योंकि बुद्ध रूपी तरकस में उसको डाड़े के वर्षे से बाण मिले हुए हैं। पुरुषार्थ करने के लिए लचीला धनुष मिला हुआ है, जिसको शास्त्रों में कहा गया है शंकर चाप जहाज। चाप अर्थात धनुष, वो शरीर रूपी धनुष भी है जिसे चाप कहा जाता है, वो शरीर रूपी जहाज भी है जिस जहाज का आधार लेकर के यही चढ़े उतरे ही पार नर। मन बुद्धि रूपी आत्मा उसकी प्रैक्टिकल याद में सवार हो करके इस संसार सागर से पार चली जाती है, परंतु उस पुरुषार्थ रूपी धनुष में लचीलापन होना चाहिए, मोल्डिंग पावर होनी चाहिए। इसीलिए नारायण के रूप में राम वाली आत्मा जब संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है तो उसकी खास ये शिफ्ट है, विशेषता है कि वो आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में संसार के बड़े से बड़े हौदे वाले लोगों के साथ भी संस्कार मिलाई लेती है, और छोटे से छोटे हौदे वाले सड़क का भिखारी ही क्यों न हो उसके साथ भी रह करके
संस्कार मिलाए लेने में सिद्ध हस्त है। ये पुरुषार्थ रूपी धनुष की मोल्डिंग पावर के कारण होता है। जो कि यज्ञ के आदि से ही ये पावर मिली हुई है, बाप दादा की प्रॉपर्टी से। ये लो अपना धनुष और ये लो बुद्धि रूपी तरकस और ये लो ये बाण, अपना खाओ और अपना कमाओ। आज से ही वो बच्चा स्वाधीन हो जाता है, खुद की कमाई करना और खुद ही खाना। जो बच्चे अधीन होने के संस्कार वाले हो जाते हैं, वो आज भी दुनिया में देखे जाते हैं माँ बाप की कमाई हुई संपत्ति पर काबिज हो करके रहना चाहते हैं जिंदगी भर। अपनी कोई कमाई अलग से नहीं करना चाहते, तो फिर उनको भीख भी मांगनी पड़ती है कारण या कारण कोई टाइम पर, क्योंकि अपने पुरुषार्थ का मादा नहीं है। स्वावलंबी होना भगवान की सबसे बड़े से बड़ी गिफ्ट है। राम वाली आत्मा के साथ ही तेलों की बात क्यों छोड़ा गया? यज्ञ छोड़ करके चली गई क्योंकि आदि में इतना ज्ञान नहीं था, चक्र का उतना विस्तार से ज्ञान नहीं था, षष्ठी चक्र का नॉलेज उस समय नहीं निकला था। ज्ञान पूरा न होने के कारण, बुद्धि का भोजन पूरा न मिलने के कारण वो आत्माएं फेल हो गई। राम और राम के फॉलोअर्स जब फेल हो गए माया की चपेट से, घायल होकर के यज्ञ से बाहर निकल गए, तो उनको दाढ़े की कमाई का अपना हिस्सा मिल जाता है। ब्रह्मा से कोई चीज नहीं मिलती, ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम के यज्ञ से कोई सहयोग नहीं मिलता, और उनके फॉलोअर्स को भी। क्या कारण हुआ फेल होने का? जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं उनको बुद्धि का पूरा भोजन नहीं मिला, इसलिए यज्ञ से टूट गए। जो भक्त किस्म की आत्माएं थी, बुद्धि के भोजन की जिनको जरूरत नहीं थी, वो भावना के आधार पर टिकी रही। वो भी अंत तक टिकी रहेंगी या उखड़ जाती है? ऐन मैं कोई पर उखड़ जाती है। जैसे ब्रह्मा का हार्ट फेल हो गया, अगर ज्ञान को पूरा पकड़ा होता तो याद की शक्ति होती, योग की पावर वालों का कभी भी हार्ट फेल नहीं होता। भावना की पावर थी लेकिन याद की पावर, ज्ञान की पावर नहीं थी, इसलिए कृष्ण वाली आत्मा उर्फ ब्रह्मा वाली आत्मा और उसके फॉलोअर्स का हार्ट फेल होता जाता है। और बाबा हाँ ओमनाथ मामा का तो हार्ट फेल
कैंसर तो हुआ, ये कैंसर है। ऐसी बीमारी थी उस समय जो असाध्य थी, कैंसर हो जाना, दिमाग में ट्यूमर हो जाना, इसमें जीवन कब खत्म हो जाए ये निश्चित नहीं होता, वो भी एक प्रकार की अकाले मौत है। डॉक्टरों को ही पता नहीं लगता ये कब खत्म हो जाएगा। और कितने हॉस्पिटलों में वो चक्कर काटती रही, और चक्कर काटने के बावजूद भी कितने हॉस्पिटलों में वो कामा में रही। पावरफुल आत्मा तो थी, लेकिन अव्यक्त वाणी में बोला है माया थक चुकी है, हिम्मत हार चुकी है। शुद्ध और विशुद्ध, शुद्ध और विशुद्ध, ऐसे ही लक्षण और विलक्षण, ये दोनों शब्द का अर्थ क्या है? एक होता है साधारण शुद्ध और एक होता है विशेष शुद्ध। जैसे तेल होता है उसको रिफाइन करते हैं तो कहेंगे शुद्ध तेल, फिर उसको डबल रिफाइन करते हैं तो कहेंगे विशुद्ध तेल। और दूसरा शब्द क्या बताया? लक्षण और विलक्षण है, एक होते हैं लक्षण, एक होते हैं विशेष लक्षण या सामान्य लक्षणों के मुकाबले स्पेशल लक्षण। जैसे देवताओं के गुण होते हैं, तो देवताओं के गुण गाए जाते हैं, लेकिन भगवान के तो विशेष गुण होते हैं जो देवताओं में नहीं होते हैं। विशेष लक्षण होते हैं उनको कहते हैं विलक्षण। और बाबा, एक माता जी ने पूछा, और देवताओं जैसे राक्षसों को भी सिरता से देखते है ना, वो लोग क्या पूरी धारण किया और क्या राजधानी स्थापना में उसका सहयोग? ताज जो है वो जिम्मेवारी का ताज है। यहाँ ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी सभी प्रकार के ब्राह्मण धारण करते हैं, चाहे वो नौ कुरियों में से कोई भी कुरी के ब्राह्मण क्यों न हो। जो ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी धारण करते हैं उनका यहाँ है जिम्मेवारी का ताज, और वहां होगा स्थूल ताज। हाँ, जो ईश्वरीय सेवा की है उस ईश्वरीय सेवा करते समय उन्होंने दृष्टि की पवित्रता, वाइब्रेशन की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता कितनी धारण की है। अगर पवित्रता को धारण किया है ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में तो 21 जन्मों में उनका फल मिलेगा, पवित्रता का ताज भी मिलेगा, स्थूल ताज भी मिलेगा। लेकिन अगर पवित्रता की जिम्मेवारी धारण नहीं की लेकिन सेवा तो की, बड़े बड़े मेले मलाखड़ों का आयोजन किया, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए, लेकिन जीवन अपवित्र ब्राह्मणों का रहा, तो सबको देखने में तो आएगा सेवा तो बड़ी जबरदस्त की है।
तो जो सेवा की जिम्मेवारी उठाई है उसके बदले में उनको ताज तो मिलेगा, लेकिन वो ताज देवताओं की दुनिया में मिलेगा 21 जन्मों में, या असुरों की दुनिया में मिलेगा 63 जन्मों में? असुरों की दुनिया में मिलता है। पूजा का कनेक्शन पवित्रता से है और ताज का कनेक्शन सेवा से है। सेवा भी दो प्रकार की, एक पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाचा, पवित्र कर्म इंद्रियां, ऐसी सेवा, और एक सेवा ऐसी वाचा से। सेवा तो बहुत की, बहुतों को ज्ञान सुनाया, बहुतों को संदेश दिया, लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा फैला दिया। तो करप्टेड दुनिया में प्राप्ति होगी या देवताओं की दुनिया में प्राप्ति होगी? करप्टेड दुनिया में ताज मिल जाता है। हाँ, तो मुरली में जो वरदा जी का नाम आता है, वरदा जी कौन? कलकत्ते में जो निर्मल शांता दादी हैं उनको टाइटल मिला हुआ है परदादी का। वो तो बेसिक की बात हुई। ऐसे ही अव्यक्त वाणी में बोला है कि तुम बच्चे जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले हो, जिनको नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है, वो बच्चे इन दीदी दादियों को भी गुण रत्नों को दान करने वाली थी। आदि में गुण रत्नों का दान किया और अंत में यही आत्माएं ज्ञान रत्नों का दान करेंगी। तो जैसे बेसिक में परदादी हैं, तो परदादी की ज्ञान रत्नों से सेवा करने वाली कोई एडवांस में भी परदादी है जो अष्ट देवों की लिस्ट में है। मेधावी मेघ कहते हैं, मेघ कहते हैं बुद्धि को। मेघावी माने बुद्धिमान, मेघावी छात्र है, बुद्धि में बहुत तीखा छात्र है। और ब्रॉड ड्रामा में शंकराचार्य के जन्म के हिसाब से व्यास और पतंजलि का जन्म तो, और दिस किस धर्म से निकले? व्यास के बारे में कहा जाता है उन्होंने उपाधि धारण की वेद व्यास। क्या? वेदों की भी रचना की, शास्त्रों की भी रचना की, महाभारत की भी रचना की, सभी शास्त्रों की रचना में वेद व्यास का नाम लिया जाता है। और पतंजलि जो है वो योग सूत्र के कारण प्रसिद्ध हुए।
उन्होंने योग के अच्छे अच्छे सूत्र निकाले जिसे दुनियावी योग कहा जाता है। बाकी पतंजलि और व्यास ये कोई सर्वथा सन्यासी नहीं थे। सन्यास धर्म तो आज से 1,500 वर्ष पूर्व हुआ। पतंजलि और वेद व्यास ये तो शास्त्र भी की भी जब रचना नहीं हुई थी तब के हैं। व्यास ने कोई अपने हाथों से शास्त्र लिखे नहीं, उन्होंने तो सिर्फ मुख से उच्चारण किया। उनके शिष्यों ने बाद में उनको रटा उन श्लोकों को, और बहुत समय के बाद जब भोजपत्र मिलने लगे तब उनको लिखा गया। तो वो तो 2,000 वर्ष से भी पहले की बात है। उस समय शास्त्रों की रचना भी नहीं हुई थी, शास्त्र तो बाद में बने हैं। शास्त्रों से भी पहले चित्रकारी हुई थी। अजंता एलोरा एलिफेंटा कनेरी आदि गुफाओं में व्यास के बोले हुए शास्त्र के अनुसार मूर्तिकारों ने चित्रकारों ने चित्रकारी करी। फिर उसका बाद में अर्थ किया गया और उसको भोजपत्र पर लिखा गया, वो शास्त्र कहलाए। सती अंशु यक पत्रिका नाम अत्रि में ही बताए ना बाबा। सती अंशु में सती अंशु यक पति अत्रि में ही बनाए बोला बाबा। वो बुनी का मतलब नहीं समझ। आ माने नहीं, त्रि माने तीन, जो तीन में से नहीं है। तीन मूर्तियां प्रसिद्ध है ना शिव की, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन जिसका नाम अत्रि है वो तीन मूर्तियों से परे है। उसका नाम अत्रि है, वो अत्रि जिसका नाम है वो वास्तव में शिव ही है। उसको भी शिव बाबा कहें। वो एवर प्योर है, उसे एवर प्योर की पत्नी का नाम अनुसुईया है, जिससे जिसकी कोई से असूया अर्थात ईर्ष्या द्वेष नहीं है। नहीं तो थोड़ी भी इम्प्योरिटी होगी तो दूसरों के साथ ईर्ष्या द्वेष जरूर होगा। इसलिए अनुसुईया रुद्रमाला का वो मणका है, रुद्र की माला का मणका है, और रुद्र की माला का वो मणका है जो सभी मणकों के बीच में अति पवित्र है। नौ ग्रुप हैं बारह बारह के, 12 × 9
108 उन बारह के जो ग्रुप हैं नौ, उन नौ ग्रुपों में सबसे श्रेष्ठ ग्रुप है सूर्यवंश। सूर्यवंशी मरकों का बारह का ग्रुप, उनमें सबसे पावरफुल मणका है कौन? जो सूर्यवंशी बारह मणके हैं उनमें सबसे पावरफुल मणका कौन? अरे है? प्रजापिता, लेकिन वो प्रजापिता अपवित्र, दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है, ब्राह्मणों की दुनिया में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, उसमें वो भी आ जाता है। है तो बहुत पावरफुल, जैसे दुनिया में मनुष्यों के दो ग्रुप हुए, एक देवात्माओं का ग्रुप, एक आसुरी आत्माओं का ग्रुप। ज्यादा पावरफुल कौन है? हैं? आसुरी आत्माएं अपवित्र हैं या पवित्र हैं? अपवित्र। पहले पैदा हुए, बड़े हैं इसलिए पावरफुल है। तो शिव बाप की जो विशेष क्वालिटी है, एवर प्योर, वो क्वालिटी वाला मणका जब तक पुरुषार्थ संपन्न न हो प्रजापिता का, तब तक वो गुण नहीं आ सकता। और दुनिया में सारे काम प्योरिटी से होते हैं। क्या दुनिया के जितने भी काम हैं वो कौन सी पावर से होते हैं? प्योरिटी की पावर से होते हैं। तो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ रचा जाता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, उसकी सफलता का मूल आधार मणका कौन? जो नई दुनिया बनाए, नई दुनिया का फाउंडेशन डाले, विजय माला तो निकलती नहीं पहले। पहले कौन सी माला बनती है? रुद्रमाला। और रुद्रमाला में प्रजापिता पतित को कहा जाता है। पतित मनुष्य तन में परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं, तो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल किसी मणके में तो स्थापना का कार्य संपन्न कराने के लिए, क्योंकि स्थापना होती है प्योरिटी से, पालना होती है प्योरिटी से, तो कोई तो मणका होगा रुद्रमाला के मणकों में, जरूर सूर्यवंश में ही होगा। तो वो कौन सा मणका है जिस मणके के द्वारा ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया की पालना होती है? बड़ी माँ जगदम्बा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली है वो तो घूंघट में आ जाती है, गुप्त हो जाती है। तो फिर प्रैक्टिकल में पालना करने वाला कौन? उसका नाम दिया है परदादी, उसका नाम शास्त्र में दिया है अनुसूया।
उसके पति का नाम है अत्रि। वो तीन मूर्तियों में से परे आत्मा है। तीन मूर्तियों का पार्ट बजाने वाली नहीं है। सदर्शन चक्र नहीं घुमाएंगे बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, माना जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, केवल मुक्ति पाएंगे। तो सदर्शन चक्र तो अभी फिर रहा नहीं, प्रैक्टिकल में कैसे मालूम पड़ेगा, प्रैक्टिकल में कैसे मालूम पड़ेगा स्व का दर्शन कैसे हुआ 84 जन्म। जो सुदर्शन चक्र नहीं घुमाएंगे वो जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे। तो आगे क्या पूछा? हाँ ठीक है, तो पूछना क्या है? नहीं तो वो 84 जन्म का सुदर्शन चक्र प्रैक्टिकल में कैसे जो स्वस्थिति में स्थित होगा और स्वस्थिति में स्थित होकर के अपने 84 के चक्र में अपनी आत्मा के पार्ट को देखने का अभ्यास करेगा वो सुदर्शन चक्रधारी हुआ। अगर 84 जन्म लेने वाली आत्मा है ही नहीं तो उसे 84 के चक्र का अनुभव होगा नहीं होगा? तेसठ जन्म में जिसने ज्यादा भक्ति की होगी और आदिकाल से ही भक्ति मार्ग में सतो प्रधान भक्ति की होगी उसी का चक्र घूमेगा। जिसने 83 जन्म लिए होंगे उसका चक्र उतना नहीं घूमेगा। 84 जन्म लिए होंगे तो चक्र अखंड, और कम जन्म लिए तो चक्र खंडित। तो जितना जितना जिसका चक्र खंडित है, मान लो कोई आत्मा ने षष्ठ चक्र के 84 जन्मों में से 21 जन्म लिए ही नहीं, सिर्फ 63 जन्म ही लिए द्वापर से, तो उसका चक्र पूरा ही खंडित हो गया। आधा चक्र खंडित हुआ या नहीं हुआ? आधा चक्र ही खंडित हो गया तो वो जीवन मुक्ति में नहीं आ सकती।